पेशेंट प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें हम दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि खान पान थोड़ा बढ़ गया है, पेशेंट की अवेयरनेस बढ़ गई है, प्लस मीडिया और डॉक्टर्स और एनजीओस ये सब अवेयर कर रहे हैं थोड़ा, प्लस इन लॉज भी थोड़े बेटर एजुकेटेड हो रहे हैं तो खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। तो अब एनीमिया इतना कॉमन नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस रिलेटेड भी है, और थायराइड, क्योंकि जो आयोडीन नमक है या अंडरग्राउंड पानी बहुत पिया जा रहा है, आरओ का पानी पिया जा रहा है, उससे बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी बहुत बढ़ रही है। तो थायराइड और डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ में प्रॉब्लम होती है, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लंग्स उसके मैच्योर नहीं होते, प्लस दे आर मोर प्रोन फॉर द इन्फेक्शन, तो उनको सांस की बीमारी बहुत हो रही है। मदर को भी मान लो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी उसको रिकवरी में टाइम लगता है, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। और थायराइड में भी क्या होता है कि जो बच्चा होता है, हम लोग मान के चलते हैं पहले तीन महीने में जो लेवल है TSH स्पेशली 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सेकंड और थर्ड तीन महीने से लेकर 9 महीने तक 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होता है तो इसमें भी माँ का तो वजन बढ़ता ही है, माँ को सांस लेने में परेशानी होती है, माँ के शरीर में सूजन बहुत आ जाती है, लेकिन बच्चा भी जो पैदा होगा अगर वो थायराइड का हुआ तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा, प्लस उसके रिफ्लेक्सेस चलने का, बोलने का, मानसिक ये सब चीज़ें बहुत स्लो। तो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो हम उसका भी थायराइड चेक कराते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसको भी ट्रीटमेंट करते हैं।